करौली जिले की देवसर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कांग्रेसी नेताओं की सभा में आम जनता नहीं पहुंची। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जनता उनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। देवसर विधानसभा 181 के नेता जो कि अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंची आम जनता। कांग्रेस नेता वंशमणि वर्मा, कांग्रेस नेता बालेंद्र वर्मा, कांग्रेस नेता राजकुमार दीपंकर, कांग्रेस नेता हरिलाल प्रजापति व उनकी बेटी सुषमा प्रजापति की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता व जनता नहीं पहुंची। तमाम चीजों को घोषणा करने के बाद उनको वहां से हटाया जाएगा, और बसाया कहां जाएगा, कहां वो बसना चाहेंगे। और इन तमाम बातों के बावजूद यदि 5 साल के अंदर वो उद्योगपति अपना उद्योग नहीं लगाया, किसान की जमीन वापस कर दी जाएगी। और मैं आज भी बता रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आपके बगल में राजस्थान ले लीजिए, जहां कहीं भी हम कांग्रेस पार्टी सरकार हैं, वहां आज भी 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार है, मोदी जी जैसे 14 में आए आते उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया। सहमति का आवश्यकता नहीं है, नौकरी का आवश्यकता नहीं है, मुआवजा 4 गुना देने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बसाएंगे, जमीन हम उद्योग लगावें चाहे नहीं लगावें, लेकिन जमीन हम वापस नहीं करेंगे। इतना बड़ा अत्याचार इस सरकार ने किया है। और मैं कितना कहना चाहता हूँ भाइयों, आज हम लोग आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पन की बात कर रहे हैं, हरजना की बात कर रहे हैं, बनवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो पहले ये बात सुन लीजिए कि आपका संविधान खत्म हो रहा है। ये संविधान, जिस संविधान ने हमको सारी सुविधा दी है, जिस संविधान में हमको सारी सुविधाओं का प्रावधान है, और जिस संविधान के बल पर आज हम संकेत तौर पर अपनी बातें कहते हैं, उस संविधान को ही मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। जब वो संविधान खत्म हो जाएगा तो न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, कोई नहीं रहेगा, हमारा सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और बल की बात अगर आप करें, ये सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन संपदा सिंगरौली में है, सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते का उत्पादन सिंगरौली जिले में होता है। सिंगरौली जिले से डीएमएफ का पैसा 800 करोड़ प्रत्येक साल सिंगरौली जिले में डीएमएफ का पैसा आता है, उसमें आपके वन का भी हिस्सा है 800 करोड़। आज भी भारत सरकार के पास जो कानून की किताब है उसको उठा के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि डीएमएफ का पैसा पूरा जिले के विकास में खर्चा होगा, जिले के बाहर एक पैसा नहीं जा सकता है। और जब तक कांग्रेस की सरकार है, तो डीएमएफ का पैसा सिंगरौली जिले का, सिंगरौली में सीधी का, सीधी में रीवा का, रीवा खर्चा होता था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे डीएमएफ का पैसा भी सिंगरौली से पूरा शिवराज सिंह चौहान अपने यहाँ बुला लेते हैं, जहाँ मर्जी होती है वहाँ खर्चा करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।